Okay, good morning, everyone. Am I clearly audible? All right, so let's start with the session. So I welcome everyone for the free webinar today that is on Algo Trading in Options. This webinar is presented by SmartLearn. So SmartLearn J&M Broking Limited ka hi ek product hai. It's an educational platform which aims to literate people about finance and stock market through webinars, seminars, recorded videos, workshops, etc. in online and offline form. And we also aim to bring multiple trainers across the industry who can convey their mastery to all the stock market enthusiasts. Talking about our trainer today, Mr. Krishna. So he has developed multiple algo strategies for software companies like Omnisys, etc. and brokers. He has been one of the first few to establish algo trading desk in commodity futures. And his company, Systematic Trading and Technical Institute, is one of the pioneer in starting algo trading course for non-tech background students. The institute also conducts an in-depth professional algo trading course with certificate and placement support. And their students have been employed in multiple top brokers and software companies. So with this, I will request Mr. Krishna to continue with the session. So you're there? Yes, I'm here. Am I audible? Yeah, you're audible. I'll make you the host so you can share the PPT. So let's make this session इंटरेक्टिव हिंदी में सेशन है लेकिन आप लोगों को जो भी सवाल है क्वेश्चन आंसर सेशन का ऑप्शन है क्यू एंड ए में तो वहां पे आप जब भी जैसे सेशन चल रहा है वहां पे भी अगर आपको कोई सवाल हो तो वहीं पे आप पूछ सकते हो विल मेक इट वेरी इंटरेक्टिव ये सेशन के पीछे ये नहीं है कि किसी ऑप्शन स्ट्रेटजी को प्रमोट करना है इसके पीछे एल्गो ट्रेडिंग समझाना है इसका जो हेतु है ये है कि एल्गो ट्रेडिंग क्या है और एल्गो ट्रेडिंग की कैपेसिटीज क्या है वो समझाने की कोशिश है ये आप लोगों में से अगर किसी को पता हो पहले आर्बिट्राज होता था स्पॉट टू फ्यूचर वगैरह सब आर्बिट्राज होते थे और मैन्युअली होते थे आज वो जो मैन्युअल ट्रेडिंग थे कई सारी डेस्क रहती थी यानी एक एक डेस्क में आप 100-150 ट्रेडर्स बैठते थे आज वो डेस्क आप देखेंगे तो बहुत कम हो गई है हार्डली एनीथिंग इज हैपनिंग थ्रू मैनुअल ट्रेडिंग तो वो सब जो ट्रेडिंग था वो एल्गो ने पिकअप कर लिया है उसी तरह से ट्रेडिंग जो हम कहते हैं कि भाई रिटेल ट्रेडर्स का भी जो ट्रेडिंग है वो भी काफी सारा एल्गो ट्रेडिंग पर चला जाएगा इन कमिंग 1 or 2 years यू विल सी कि काफी सारा ट्रेडिंग एल्गो से हो रहा है वेस्टर्न कंट्रीज में तो ऑलरेडी एल्गो ट्रेडिंग बहुत बड़े बड़ा टर्न ओवर करना है सो लेट अस बिगिन अवर जर्नी बिफोर वी स्टार्ट कैन वन प्रिडिक्ट द मार्केट यानी कि प्रिसाइजली हम क्या बता सकते हैं मार्केट को कि ये मार्केट इस समय में इतने समय में यहां तक की मूवमेंट दे सकता है कैन वन प्रिडिक्ट आप लोग चाहे तो चैट में या क्यूए में आंसर दे सकते हैं ताकि थोड़ा इंटरेक्टिव रहे ओके नो सर ओके ठीक है सही बात है आपकी इट्स नॉट इजी या पॉसिबल नहीं है प्रिडिक्ट करना कि मार्केट किस समय तक कहां तक मूवमेंट हो सकती है ये एक आर्टिकल है हमारा जो हमने आप अगर देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है लिंक्डइन पे आज भी वो आर्टिकल है 3 years आज से मार्च 23 में आज है हम 25th मार्च 23 है आज और ये यहाँ पे बता रहे 3 years पहले का ये आर्टिकल है इस आर्टिकल में तभी अगर आपको याद हो मार्च 20 में मार्केट काफी क्रैश हुआ था बिकॉज ऑफ कोविड और तभी का जो निफ्टी था वो था 7526 यहाँ पे उस दिन का बताया हुआ है और इस आर्टिकल में हमने बताया था कि वी एज्यूम द नेक्स्ट अपवर्ड ट्रेंड शुड बी एक्टिव इन कमिंग 6 to 12 मंथ्स यानी 6 से 12 महीने में ये जो डाउन ट्रेंड चल रहा है वो खत्म होके अप ट्रेंड चालू हो जाएगा और जो टारगेट है हमारा वो है 12,000 से 19,000 के बीच में कहीं पे भी और साथ में ये भी बताया था हमने कि शुड बी कंप्लीटेड ये टारगेट शुड बी कंप्लीटेड इन 15 to 36 मंथ्स
यानी मार्च 2020 में हमने बताया था कि 12,000 से 19,000 के बीच में 19,000 तक ये निफ्टी जा सकती है, और ये जो होगा वो 15 महीने से लेकर 36 महीने के बीच में ये टारगेट अचीव हो जाएगा। आप अगर देखो निफ्टी की मूवमेंट मार्च 2020 के बाद की ये चार्ट है, और अगर हम देखें तो वन साइड मार्केट ऊपर चला था उसके बाद, और 33 मंथ के बाद में निफ्टी ने 18,887 करीब करीब 19,000 को टच किया हुआ था, राइट। सो ये भी हो सकता है ना कि एक बार किसी ने बोल दिया बाय लक एक आर्टिकल सच हो गया, राइट। चैट डिसेबल करके, हाँ चैट डिसेबल है, लेकिन क्वेश्चन आंसर सेशन में यहाँ पे आप लिख सकते हैं, आपके सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, सो ये पॉसिबल है कि ये एक आर्टिकल बाय फ्लूक हो गया होगा। सो वन मोर आर्टिकल हमने लिखा था, एंड जब ये मार्केट एक न्यू हाई पे था तभी हमने ये आर्टिकल लिखा हुआ है। हमने ये आर्टिकल आज से 4 महीने पहले लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लिंक्डइन पे देख सकते हैं, 4 मंथ्स बता रहा है ये आर्टिकल का। और ये आर्टिकल अगर आप देखते हो तो ये आर्टिकल में हमने नीचे लिखा हुआ है कि एल्गो शोज अ करेक्शन बिफोर इट कैन शो अ न्यू स्ट्रेच ऑफ हाइस, दिस हाई मे बी टेम्पररी। यानी उस वक्त का जो हाई था आज से 4 महीना पहले अगर आप देखो तो तभी ये मार्केट 18,500 18,900 के बीच में चल रहा था, वहां पे टच हो रहा था, और जब वो वहां 19,000 को टच होने जा रहा था तभी हमने बताया था कि दिस हाई इज मे बी टेम्पररी, यहाँ पे ये जो हाई बना रहा है ये टेम्पररी है, यहाँ से करेक्शन हो सकता है, नया हाई बनाने के पहले एक करेक्शन आ सकता है, ये हमने बताया था। और ये पिछले 4 महीने का हमारा निफ्टी का चार्ट है। ये बताने के पीछे मोटो क्या है, तो मोटो ये है कि ये देखिए यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट वर्ड लिखा हुआ है, एल्गो शोज, हमारा एल्गो शोज अ करेक्शन बिफोर इट कैन शो अ न्यू स्ट्रेच ऑफ हाई। यानी एल्गो का जो कई बार जो उसका कैलकुलेशन रहते हैं वो काफी प्रिसाइज हो सकते हैं। सो एल्गो है क्या, आप में से कुछ लोग शायद एल्गो कर रहे होंगे, लेकिन कुछ लोग शायद ऐसे भी है, मुझे जैसे बताया गया कुछ लोग ऐसे भी है जिन्होंने एल्गो नहीं किया है या एल्गो नहीं कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम जान रहे हैं इसके बारे में, तो मैं एक छोटे से एग्जाम्पल दिया, छोटे समय में आपको ये बता दूं कि एल्गो करता क्या है। एल्गो इज अ मेथड ऑफ टीचिंग कंप्यूटर टू जनरेट ट्रेड और एग्जीक्यूट ट्रेड और डू बोथ। यानी एल्गो या तो आप इसलिए रख सकते हो कि भाई वो ट्रेड जनरेट करके दे दे, ठीक है, कि कहाँ लेना है कहाँ बेचना है, इस तरह का एल्गो बना सकते हो, आप कंप्यूटर को सिखा सकते हो और वो अपने आप करता रहे, और दूसरा पर्पज ये रहता है कि एग्जीक्यूट करने के लिए, यानी ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए भी, या दोनों भी करे, ट्रेड जनरेट भी करे और एग्जीक्यूट भी करे, ये दोनों भी करे। कुछ एल्गोज ऐसे रहते हैं जो सिर्फ एग्जीक्यूशन के लिए रहते हैं, यानी आर्बिट्राज के जो एल्गो रहते हैं उसमें कई बार कई सारे एल्गो सिर्फ एग्जीक्यूशन एल्गो कहा जाते हैं, उसमें बहुत सिंपल ये रहता है कि भाई इतना डिफरेंस दिखता है वहां पे, एक जगह पे बाय करो दूसरी जगह पे सेल करो, इसे कहते हैं एग्जीक्यूशन एल्गो कहते हैं उसे, ठीक है। या फिर ऐसे भी एल्गो रहते हैं जहाँ पे हमें बहुत बड़ी क्वांटिटी बाय या सेल करनी है लेकिन हमें ये नहीं चाहिए कि मार्केट को इफेक्ट हो जाए, तो भी एग्जीक्यूशन एल्गो रहते हैं, वीवेप वगैरह जो हम यूज करके जो स्लाइसिंग कर सकते हैं बड़े ऑर्डर को छोटे छोटे ऑर्डर में स्लाइस करके, उस एल्गो से हम बिना मार्केट को अफेक्ट किए हुए पूरा लॉट, बड़ा लॉट अगर कुछ सेल करना है या बाय करना है तो कर सकते हैं। सो एल्गो इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, एक ट्रेडिंग एल्गो हो गया जहाँ पे सिग्नल जनरेट होते हैं कहाँ पे बाय करना है, कितनी क्वांटिटी बाय करनी है, कहाँ पे उसे वहां से एग्जिट लेना है, कहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग या लॉस स्टॉप लॉस बुकिंग करना है, उसे कहते हैं ट्रेडिंग एल्गो। और दूसरा रहता है एग्जीक्यूटिंग एल्गो, जहाँ पे हम ये तय करते हैं कि कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। ट्रेडिंग एल्गो जो रहते हैं उसका लॉजिक कई सारे मॉडल्स पे रहता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस बेस्ड, टेक्निकल एनालिसिस बेस्ड, AI/ML के बेस पे रहता है, फंडामेंटल बेस पे रहता है, या कॉम्बिनेशन ऑफ एनी ऑफ द अबव।
आज भी हम एक बहुत ही आसान सा एक एल्गो समझने की कोशिश करेंगे। पूरा आर्टिकल आप हमारे लिंक्डइन पे जाके स्टैट इंस्टीट्यूट के लिंक्डइन पेज पे भी देख सकते हो या कृष्णा रावल के लिंक्डइन पेज पे भी जाके देख सकते हो। तो वहाँ पे आप पूरा आर्टिकल पढ़ भी सकते हो और उसमें क्या टारगेट्स वगैरह दिए थे वो देख सकते हो। तो लेट अस कंटिन्यू। एल्गो ट्रेडिंग जो रहेगा रहता है वो ऑप्शंस पे भी चल सकता है, फ्यूचर्स, कैश, कमोडिटी करेंसी, बिटकॉइंस सभी पे चल सकता है। अभी ये हो जाता है कि एल्गो ट्रेडिंग करे क्या, फायदा है एल्गो ट्रेडिंग करके। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा इसका ये है कि बिफोर आप ट्रेडिंग शुरू करते हो किसी भी स्ट्रेटजी पे, उसके पहले आपको पूरा रिस्क रिवॉर्ड पता है बिफोर यू इन्वेस्ट अ सिंगल रुपी। यानी एक रुपया भी आपका अभी इन्वेस्ट नहीं हुआ लेकिन आपको पता है कि कितना इसमें रिस्क हो सकता है, कितना रिवॉर्ड आ सकता है, क्या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, आरओआई क्या है, सभी कुछ आपको पता चल सकता है और एक टेंटेटिव आइडिया आ जाती है कि ये एल्गो कैसे काम करेगा, किस मार्केट में अच्छा परफॉर्म करेगा। और ये जब भी आपको एक आइडिया आ जाती है तो आप बेटर डिसीजन ले सकते हो। ये एल्गो ट्रेडिंग में पॉसिबल है, मैनुअल ट्रेडिंग में शायद पॉसिबल नहीं है। दूसरा इसका फायदा ये है कि आपको पूरा दिन स्क्रीन के सामने बैठने का जरूरी नहीं है, आपकी जो मेहनत लगनी है आपको मेहनत करना है अच्छा एल्गो बनाने में। एक बार कोई अच्छा एल्गो बना है तो वो एक अच्छे समय तक आपको पैसा कंसिस्टेंटली निकाल सकता है। तो वो जो बनाना है उसके पीछे मेहनत कीजिए, वो सीखने की, वो कैसे अच्छा एक एल्गो बनाए उस पर मेहनत करनी रहती है, उस पर समय देना पड़ता है। लेकिन ये हाँ ये है कि ट्रेडिंग के लिए आपको स्क्रीन के सामने बैठ के पूरा दिन कभी ट्रेड आएगा ये करने की जरूरत नहीं पड़ती अगर आपने ट्रेडिंग भी ऑटोमेट कर दिया है तो। स्लिपेज जो है वो काफी मिनिमम रहता है क्योंकि एल्गो में जैसे ही सिग्नल जनरेट होता है इमीडिएट वो ट्रेड ले सकता है। मैनुअल में कई बार अगर हम चार्ट भी देख के करते हैं तो चार्ट देखते हैं फिर एक दो बार हम कंफर्मेशन या कि भाई सही दिख रहा है, चाहे वो मान लीजिए कि क्रॉसओवर है तो सही है क्रॉसओवर, सही में वो क्रॉसओवर हुआ है नहीं हुआ है, तो उसमें हमारा काफी समय जा सकता है। तो उसमें हमारा जो एंट्री पॉइंट था वो एंट्री पॉइंट मिस हो सकता है, स्लिपेज आ सकता है हमें। एल्गो में स्लिपेज जीरो है ऐसा तो नहीं है, मिनिमम कह सकते हैं, काफी कम है, मैनुअल से तो कम ही रहेगा। और कई बार जहाँ पे अच्छी कनेक्टिविटी वगैरह है तो नाक के समान रहता है, ऐसा नहीं है कि हरे ट्रेड में आपको स्लिपेज आना है, लेकिन कभी आ सकता है वंस इन अ वाइल। सबसे अच्छा एक जो इसका पॉइंट है वो है कि अगर आप मनी मैनेजमेंट करना चाहते हो तो एक ऑटोमेटेड एंड डायनामिक मनी मैनेजमेंट पॉसिबल होता है एल्गो से, जहाँ पे आपके ट्रेड जैसे जैसे एग्जीक्यूट हो रहे ऐसे ऐसे वो कैलकुलेट कर रहा है कि आपका मनी मैनेजमेंट के जो रूल्स है वो कितने फॉलो हो रहे, कोई मिस हो रहा है क्या है, वो उसके साथ में वाइल आपका ट्रेडिंग चल रहा है उसके साथ में वो कैलकुलेट कर पाता है और उसके हिसाब से वो डिसीजन ले सकता है, जो हमें शायद मैन्युअली, अगर मान लीजिए कि आप काफ़ी सारे ट्रेड्स करते हैं या आपकी स्ट्रेटजी ऐसी है कि मान लीजिए जैसे स्कैल्पिंग की जैसी है तो आपको कि कितने ट्रेड्स आपके पास आ गए फेवर में है या कितना होल्ड कर रहे हो, कितनी मनी मैनेजमेंट, कौन सी स्क्रिप्ट पे कितना लग गई, वो कंटिन्यूस मैनेज करना मैन्युअली पॉसिबल ना हो, रिस्क मैनेजमेंट करना मैन्युअली इतना प्रिसाइजली नहीं कर सकते हम जितना कि एल्गो ऑटोमेटेडली कर सकता है। और एक बड़ा पॉइंट है कि कंसिस्टेंट ट्रेडिंग रिजल्टिंग इनटू मोर एक्सपेक्टेड रिटर्न्स। यानी आप कई बार देखते हो कि कोई स्ट्रेटजी आपको अच्छी लगी बेस्ड ऑन वॉट एवर क्वांट या टेक्निकल एनालिसिस एनीथिंग, आपने कोई स्ट्रेटजी सोची है, आपने देखा है, लेकिन जब ट्रेडिंग करते हैं मान लीजिए कि कभी ऐसा हो जाए कि आपको कहीं जाना पड़ा तो वहां पे आपका ट्रेड मिस हो सकता है
या आपको ऐसा हो सकता है कि कई बार ऐसा भी हो जाए कि कुछ सीरीज ऑफ लॉसेस आ गए हैं, तो उसके बाद में होता है कि शायद और दो चार लॉसेस आ जाएंगे, रुक जाते हैं थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद में मार्केट एकदम से बहुत ही ट्रेंडिंग एक ट्रेंड पकड़ लिया उस आपके ये सिस्टम ने, और एक अच्छा ट्रेड आपका मिस हो गया, अच्छा एकदम बड़ा प्रॉफिटेबल ट्रेड आपका मिस हो गया, ये हो सकता है, जो एल्गो में होना मुश्किल है, क्योंकि एल्गो रूल्स से काम करता है, रूल्स को फॉलो करता है, तो उसमें हमें ये मिस होने का चांसेस वगैरह कम हो जाता है। एल्गो कई सारे सॉफ्टवेयर अभी है जो आपके जो ब्रोकर है जैनम उनसे भी बात कर सकते हो, या जो भी आपके ब्रोकर है उनसे भी बात कर सकते हो, कई सारे सॉफ्टवेयर हैं जिनके साथ में आप एल्गो कनेक्ट कर सकते हो, और आपके अकाउंट को कनेक्ट करके इस तरह सारी स्ट्रेटजीज सीख लेते हो, टेस्ट करके उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ओके, आगे देखते हैं, लेट्स सी हाउ एल्गो वर्क्स। वी वुड लाइक टू मेक अ सिंपल ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी एंड टेस्ट इट टुडे। एक ये जो स्ट्रेटजी हम बना रहे हैं उसमें हमें मल्टीपल इंडिकेटर्स नहीं डालने हैं, ना कॉम्प्लेक्स लॉजिक डालना है। स्ट्रेटजी हमें जो बनानी है वो हमें इंट्राडे के लिए बनानी है, ऐसा नहीं है कि पोजिशनल स्ट्रेटजी बनाई है, इंट्राडे रखना है हमें सिंपल, बहुत ही सिंपल, एक एक इंडिकेटर या एक या दो लॉजिक से ज्यादा हमें लॉजिक्स वगैरह ज्यादा देने नहीं है उसे। सो लेट्स बिगिन अवर जर्नी, देखते हैं कैसा हम एल्गो बना सकते हैं और कैसा वो परफॉर्म कर सकता है। सो रूल्स ऑफ द स्ट्रेटेजी क्या रहेगा, हम एडीएक्स यूज करेंगे, एडीएक्स 14 पैरामीटर पे रहेगा, ये एक ही इंडिकेटर हम यूज करने वाले हैं और कोई इंडिकेटर नहीं कर रहे हम। मैंने जैसे बताया कि बहुत ही सिंपल और आसान सी एक स्ट्रेटेजी बनानी है, हम ये जो इंडिकेटर है उसे हम 15 मिनट्स की टाइम फ्रेम में रखेंगे, ठीक है। हम इंट्राडे ही ट्रेड करेंगे ताकि कोई गैप ओपनिंग से हमें लॉसेस ना लग जाए या हमारी कैलकुलेशन गलत ना पड़ जाए, इसलिए जितने भी ट्रेड रहेंगे वो बिफोर 3:30 क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। विल बी ट्रेडिंग ओनली इन कॉल ऑप्शन, ओके, वी विल नॉट बी ट्रेडिंग इन ऑन मंडेज। एक मंडे का एक दिन ऐसा होता है कि हमने ऐसा देखा हुआ है कि यहाँ पे क्लैरिटी थोड़ी कम रहती है कंपेयर टू जो बाकी के चार दिन है, उसके मार्केट की क्लैरिटी मंडे को थोड़ी कम लगती है, सो वी विल नॉट बी यूजिंग ट्रेडिंग ऑन मंडेज। बाकी ट्यूजडे वेनसडे थर्सडे फ्राइडे ऑल दिस डेज वी विल बी ट्रेडिंग ऑन दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी। वी विल इनिशिएट ट्रेड ओनली आफ्टर 9:40, यानी हमें बेसिकली आप देखने जाए तो आप देखिए हमें थोड़ी क्लैरिटी के साथ एंट्री लेनी है। मंडे हम क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि मंडे को क्लैरिटी थोड़ी कम लगती है, 9:40 के बाद क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें तब तक मार्केट थोड़ा सेटल हो जाए ये चाहिए, ओके। हमारी पोजिशन है वो 3:10 तक हमें क्लोज कर देनी है, ऑफकोर्स देयर विल बी अ हार्ड क्लोज एज वेल। तो रूल्स ऑफ द स्ट्रेटजी ये रहेगी कि इफ एडीएक्स इज बिलो 40 एंड टाइम इज अबव 9:40 PM देन शॉर्ट कॉल एटीएम कॉल ऑप्शन, ओके, स्टॉप लॉस विल बी 20% ऑफ द प्रीमियम अर्न्ड। यानी अगर हमारा ऑप्शन का जो प्रीमियम, हमने मान लीजिए कि प्रीमियम 400 रुपीज है, तो हमने 400 का कॉल ऑप्शन हमने सेल किया है, तो 20% ऑफ दैट विल बी अवर स्टॉप लॉस। यानी 400 का जो हमारा कॉल ऑप्शन हमने सेल किया है वो अगर 480 हो जाता है, यानी 20% ऊपर हो गया, तो हम उसमें से एग्जिट ले लेंगे, राइट। तो 20% इज अवर स्टॉप लॉस, ओके। इन केस स्टॉप लॉस इज हिट, री एंटर द ट्रेड एट द सेम स्ट्राइक प्राइस इफ इट बिकम्स एटीएम ड्यूरिंग द डे। यानी
हमें री एंट्री तो ले सकते हैं, लेकिन री एंट्री का एक सिंपल रूल है कि री एंट्री वही स्ट्राइक प्राइस पे लेंगे और तभी लेंगे अगर वो स्ट्राइक प्राइस वापस एडीएम बना है। यानी अगर आईटीएम में है तो इन द मनी है तो हम नहीं करेंगे उस पे ट्रेड, वही स्ट्राइक प्राइस पे करेंगे, लेकिन हम तभी करेंगे जब वो वापस एटीएम बन जाए, यानी मार्केट करीब वापस वही लेवल पे आ जाए जिस लेवल पे हमने एंट्री ली हुई थी। बेसिकली हमें ये चाहिए कि मार्केट हमारा जो है वो कंडीशंस वहीं पे आए। ये बैंक निफ्टी का है, ये जो एल्गो हम कर रहे हैं वो बैंक निफ्टी पे कर रहे हैं। ओके, रूल्स ऑफ द स्ट्रेटेजी फर्दर, री एंट्री कैन हैपन ओनली अप टू 3 times, दिन में 3 times ही हम री एंट्री करते हैं। ओके, आफ्टर विच ट्रेडिंग हैज टू स्टॉप फॉर द डे, 3 से ज्यादा हम अगर 3 times हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ तो उस दिन के लिए ट्रेडिंग बंद हो जाता है, फिर हम आगे ट्रेड नहीं करते। एग्जिट विल बी इफ द ADX क्रॉसिस बिलो 20 एंड द टाइम इज 3:10 PM, यानी 3:10 पे अगर ADX ने 20 के नीचे क्रॉस ओवर किया है तो हम एग्जिट ले लेंगे, ठीक है, या फिर 3:25 पे क्रॉस किया भी ना हो, ADX ऊपर भी रहा हो, लेकिन 3:25 पे हार्ड स्टॉप है, यानी हार्ड स्टॉप यानी वहां पे किसी भी हालत में ट्रेड स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, 3:25 के आगे हम ट्रेड स्क्वायर कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। ट्रेड्स इन वीकली ऑप्शंस ओनली एंड द टाइम फ्रेम इज 5 minutes, यानी ट्रेडिंग टाइम फ्रेम जो है हमारा वो 5 minutes का है और हम ट्रेड करेंगे वीकली ऑप्शंस में, मंथली ऑप्शंस में नहीं कर रहे हैं। ओके, लेट्स ट्राई दिस। ओके, ऑन quantman.in, quantman करके आप लोगों में से शायद आप कई लोगों को पता भी होगा, एल्गो ट्रेडिंग के लिए रेडी प्लेटफॉर्म है जहां पे आप स्ट्रेटेजी बना सकते हो, बिना कोडिंग के स्ट्रेटेजी बना सकते हो, उसे टेस्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम quantman में ये स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, बैंक निफ्टी पे बनाएंगे, स्क्रिप्ट हमारी बैंक निफ्टी रहेगी, ठीक है, अंडरलाइन बैंक निफ्टी रहेगी, कैंडल 5 minutes की टाइम फ्रेम रहेगा और ADX की जो कैंडल रहेगी, ADX के जो इंडिकेटर रहेगा वो 15 minutes पे चलेगा और सिंगल लेग ट्रेडिंग रहेगा, ये मल्टीपल लेग नहीं है, सिंपल सिंगल लेग ट्रेडिंग है। ये आपका quantman का प्लेटफॉर्म आ जाएगा, आप quantman में जाएंगे तो वहां पे ये क्रिएट स्ट्रेटेजी करके आ जाएगा, ठीक है। ओके, दिस इज ऑन बैंक निफ्टी। ठीक है, ये जो है वो quantman का क्रिएट स्ट्रेटेजी में जाएंगे तो ये आपको प्लेटफॉर्म दिखेगा। यहाँ पे हमें सर्च में बैंक निफ्टी बता देना है, यहाँ पे बैंक निफ्टी जैसे लिखेंगे या वो सिलेक्ट कर लीजिए, कैंडल स्टिक चार्ट टाइप में कैंडल रखिए आप, करंट कैंडल जो है वो 5 minutes की रखिए आप, ठीक है, ADX जो है आपका वो 14, उसका पैरामीटर 14 का बाय डिफॉल्ट रहता है, वही सिलेक्ट कर लीजिए और इंटरवल जो है वो 15 minutes का रखिए, ठीक है, और ADX रहेगा फ्यूचर प्राइस पे। ओके, हमारे जो एंट्री के रूल है वो ये है कि ADX इज बिलो 40 के ऊपर नहीं होना चाहिए ADX। दूसरा रूल हमारा ये है, टाइम ऑफ द डे इज अबो 9:40 के पहले हम ट्रेड नहीं डाल सकते हैं, एंड डे ऑफ द वीक कंटेंस ट्यूजडे वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे, यानी कि मंडे नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी दिन हो तो ये ट्रेड ले सकते हैं हम, राइट। एग्जिट की हमारी जो लॉजिक है वही है कि ADX क्रॉस बिलो 20 एंड द टाइम इज टाइम ऑफ द डे इज 15:10, यानी 3:10 हुई हो। हमारा जो ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं वो रहेगा वीकली, यहाँ पे हमने वीकली कर लिया है, हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं रख रहे हैं, ना ही मूव टू कॉस्ट रख रहे हैं ऑप्शन, हम सिर्फ ये रख रहे हैं कि री एंट्री को सिलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन में हमने कॉल सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ATM हमने सिलेक्ट किया हुआ है, एक ही लॉट सिलेक्ट किया हुआ है, सेल करना है और स्टॉप लॉस हमने रख दिया है 20 का। री एंट्री जो है वो सिर्फ 3 times हो सकती है, 3 से ज्यादा हम री एंट्री नहीं कर रहे हैं,
हम यहाँ पे और भी कई सारे लेग्स ऐड भी कर सकते हैं, एडजस्टमेंट ऐड कर सकते हैं, वो सब कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया कि हम एक बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी करना चाहते हैं, वी डोंट वांट टू कॉम्प्लिकेट। आप में से कई जो अभी अटेंड कर रहे हैं, कई लोग वो ऐसे है कि जो शायद एल्गो फर्स्ट टाइम करना चाहते हैं या समझना चाहते हैं कि कैसे होती है स्ट्रेटेजी, तो इसलिए हमने बहुत आसान सी एक स्ट्रेटेजी रखी है, सिंगल लेग की स्ट्रेटेजी को बता रहे हैं। ओके, स्ट्रेटेजी स्टॉप भी है यहाँ पे, जो स्टॉप लॉस और प्रॉफिट वगैरह है वो हम नहीं रख रहे, क्योंकि हमारी इंट्राडे है तो हमें वो पता है कि हम लिमिट में हैंडल कर सकते हैं। दूसरी जो बात है यहाँ पे, देखिए ये यहाँ पे हमने बता दिया कि ये इंट्राडे रहेगा और हमारा ट्रेडिंग ड्यूरेशन जो है, ट्रेड ड्यूरिंग जो है वो 9:15 से लेके 3:25 तक है, यानी 3:25 पे जो भी ट्रेड, अगर मान लीजिए हमारा एग्जिट लॉजिक पे अगर एग्जिट नहीं लिया हुआ है तो वो ट्रेड्स यहाँ पे 3:25 पे एग्जिट ऑटोमेटिक ले लेंगे। ठीक है, सो लेट्स डू अ बैक टेस्ट। पीरियड जो हम तय कर रहे हैं वो है हमारा बैक टेस्ट के लिए जो पीरियड है वो 1 January 2021 to 23rd, यानी दो दिन पहले तक, 23rd March 2023 तक का। ड्यूरिंग दिस पीरियड बैंक निफ्टी हैज नॉट बीन इन एनी मेजर वन साइडेड ट्रेंडिंग जोन, यानी अगर आप देखोगे तो ये पीरियड में बैंक निफ्टी ने दोनों तरफ का दे दिया, एक ऐसा नहीं है कि एक तरफा चला हुआ है। मान लीजिए आप बोलो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कॉल सेल कर रहे हैं, कॉल सेल कर रहे हैं तो कॉल सेल कभी कर सकते हैं जब भी मार्केट, अगर मान लीजिए कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं डाउन जाने वाला है, राइट, तो ही हम कॉल सेल कर सकते हैं, राइट, तो उसका मतलब बनता है, राइट। लेकिन यहाँ पे मार्केट ऊपर भी गया हुआ है, नीचे भी गया हुआ है, और कोई ऐसा, यानी ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड आ गया था तो ये स्ट्रेटेजी वो पर्टिकुलर डाउन ट्रेंड के कारण काम कर रही है, वरना नहीं करे, ऐसा नहीं है। ठीक है, इनफैक्ट इट हैज ऑलमोस्ट रिटर्न टू द सेम लेवल वेर इट वॉज 2 years बैक। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें तो ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है, ठीक है, यही समय का है, 1 January 2021 से लेके 23rd March 2023 तक का है, और यहाँ पे अगर आप देखो तो करीबन वही लेवल पे वापस आ गया है मार्केट, 39,000 का। ठीक है, तो ये मार्केट में अगर हम देखें तो ये देखिए अप ट्रेंड भी आया हुआ है, डाउन ट्रेंड भी आया हुआ है, यहाँ पे 42,000 से 32,000 हुआ था, फिर वापस 32,000 से 44,000 हुआ, 4,400 वापस अभी करीबन 38,000 तक आ रहा है, 39,000 तक आ रहा है। ठीक है, और ये अब देखिए यहाँ से यहाँ तक ये पूरा, ये मार्च से लेके ये मार्च तक एक सेम लेवल पे मार्केट आ रहा है, तो ऐसा कोई बात नहीं, ऐसी नहीं है कि ये कोई बड़ा डाउन ट्रेंड था ये टाइम में इसलिए ये स्ट्रेटेजी काम कर जाएगी, ये देख के हमने ये नहीं कर रहे हम, यानी अप ट्रेंड भी है डाउन ट्रेंड भी है, इनफैक्ट अप ट्रेंड ज्यादा है इस ड्यूरेशन में, तो अप ट्रेंड में कॉल ऑप्शन सेल करना और वो भी सिंगल लेग एडवाइजेबल नहीं रहता है ऐसे तो, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे जो बताना चाहते हैं वो ये रहता है कि कंसिस्टेंट ट्रेडिंग जो रहता है या कुछ चीजें आप अपनी फेवर में कर देते हो तो प्रोबेबिलिटी आपकी विनिंग की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। देखते हैं हमारा एल्गो ने बैकटेस्ट किया हुआ एल्गो ने परफॉर्म कैसे किया है। ये है इक्विटी चार्ट, ऐसे देखने जाए तो हमारा जो प्रॉफिट लॉस हर रोज जो हो रहा है उसका टोटल है ये, ठीक है, तो टोटल हमारा क्या प्रॉफिट आ रहा था क्या लॉस आ रहा था उसका हम हर रोज का प्लस माइनस करते रहते हैं, तो ये इक्विटी चार्ट बनता है। समय ड्यूरेशन आप देख सकते हैं January 1st से लेके 23rd March तक का ये बैकटेस्टेड रिजल्ट है, ठीक है, स्लिपेज 0.2 का है परसेंटेज, ठीक है, और आप देखिए लीनियर अपवर्ड मूव है, ये जो हमारा इक्विटी चार्ट है वो एक लीनियर अपवर्ड मूव है, यानी क्या हो गया कि ये आपका जो इक्विटी चार्ट हो, कोई भी अगर आप एल्गो बना रहे हैं या फिर कोई भी ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमेशा ये देखिए कि आपका जो हर रोज का प्रॉफिट एंड लॉस का जो क्यूमुलेटिव प्रॉफिट एंड लॉस चार्ट बनाते हो जिसे हम इक्विटी चार्ट कहते हैं वो हमेशा लीनियर होना चाहिए, लीनियर यानी 45 डिग्री से
ऐसे बढ़ते हुए होना चाहिए। अगर वो ऐसे अप एंड डाउन इस तरह से अगर कर रहा है तो दैट इज नॉट अ गुड चार्ट टू ट्रेड ऑन। ओके, हमें ये चाहिए कि कंसिस्टेंट होना चाहिए, कंसिस्टेंटली। ऐसा ओवरनाइट एक दिन में बहुत बड़ा प्रॉफिट दे दिया, दूसरे दिन बहुत बड़ा लॉस दे दे, ऐसी जो स्ट्रेटेजीज है वो स्ट्रेटेजीज लंबे समय के लिए एडवाइजेबल नहीं रहती है। लंबे समय के लिए अगर ट्रेड करना है तो हमें ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी रहती है जो हमें कंसिस्टेंटली रिटर्न देता रहे। ओके, अगर हम यहाँ पे प्रॉफिट देखते हैं तो 318,000 का प्रॉफिट बता रहा है, दिस इज द नेट प्रॉफिट है, ठीक है। और हमारा ड्रॉडाउन अगर देखते हैं तो 20,501 रुपये का ड्रॉडाउन हुआ है, ठीक है। विनिंग प्रोबेबिलिटी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, विनिंग प्रोबेबिलिटी जो है ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी की वो 58 है, 58.22। ओके, और एवरेज प्रॉफिट टू एवरेज लॉस जो अगर देखने जाए तो एवरेज लॉस, यानी हमारे पहले तो विनिंग प्रोबेबिलिटी हायर है, दूसरी बात हमारा ये है कि एवरेज प्रॉफिट जो है वो है 2,819 रुपया, जबकि एवरेज लॉस है 2,139 रुपया, यानी हमारा एवरेज लॉस से एवरेज प्रॉफिट काफ़ी हाई है और हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी भी काफ़ी हाई है, ठीक है। विन लॉस रेशियो है वो 248 to 178 है, रिस्क पर ट्रेड है वो है 1.33%, मैक्सिमम प्रॉफिट ये जो है वो यानी एक दिन का रहता है 9,700 और मैक्सिमम लॉस 10,503 एक दिन का है, ये एक ट्रेड का नहीं है। ओके, यस, दिस इज वन लॉट एटीएम कॉल ऑप्शन सेल, राइट नितिन जी आप पूछ रहे थे, यू कैन सी अवर माय स्क्रीन, स्क्रीन देख सकते हैं, देख सकते हैं आप लोग, क्योंकि किसी ने बताया कि वी कैन सी योर स्क्रीन, इट्स विजिबल या ओके, आई थिंक एवरीबॉडी इज एबल टू सी द स्क्रीन, आई डोंट नो व्हाई समबडी हैज रिटन दैट वी कैन सी द स्क्रीन, यस विजिबल, काफी सारे लोगों ने बताया कि भाई विजिबल है। ओके, गणेश जी आप जो बोल रहे हैं कि ऑप्टिमाइज द इनपुट पैरामीटर्स, अगर आप यहाँ पे इनपुट पैरामीटर्स अगर देखेंगे तो हमने उसे ऑप्टिमाइज नहीं किया है। एडीएक्स का 14 का पैरामीटर जो है वो बाय डिफॉल्ट पैरामीटर रहता है, आप कहीं भी किसी भी चार्ट में देख लीजिए, वो 14 का ही पैरामीटर हमने रखा हुआ है इसमें। सो वी आर नॉट ऑप्टिमाइजिंग द इनपुट पैरामीटर जो हमारा है वो गणेश जी सेम रखा हुआ है, ठीक है। दिमक जी आप बोल रहे हैं कि आप स्क्रीन यानी हमारे प्रेजेंटेशन नहीं देख पा रहे हो, आप हमारा वीडियो देख सकते हो लेकिन प्रेजेंटेशन नहीं देख सकते हो, कैन यू प्लीज रिपीट द स्ट्रेटजी, श्योर आई विल रिपीट। कमल जी एक मिनट बिफोर दैट, आई डोंट नो साक्षी कैन यू जस्ट लुक, समबडी इज कंप्लेनिंग दैट आई कैन सी यू बट कांट सी योर स्क्रीन, आई थिंक आपको आपने शायद मे बी एक विंडो पे क्लिक कर दिया है या ऐसा कुछ हो। ओके विजिबल एक्सपेक्टेड, ओके री लॉग इन कर लीजिए, शायद उससे आपको ये दिख सके। अच्छा, मैं पहले तो स्ट्रेटजी का रूल बता देता हूँ, कई लोगों ने बताया हुआ कि टाइम स्ट्रेटजी का रूल बताइए, तो मैं वो बता देता हूँ आपको और उसके बाद में टाइम फ्रेम में कंफ्यूजन लग रहा है वो भी क्लियर करता हूँ आपको। कैन वी यूज बॉलिंगर, बॉलिंगर की स्ट्रेटजी अलग रहती है, हम यहाँ पे बॉलिंगर यूज नहीं कर रहे, बहुत सिंपल सी एक स्ट्रेटजी, क्योंकि बॉलिंगर पर्टिकुलर काइंड ऑफ ट्रेडिंग में अलग तरीके से यूज होता है, ठीक है, मार्केट की कंडीशन के बेस पे बॉलिंगर को यूज करते हैं। देखिए हमारी स्ट्रेटजी का रूल जो है वो बहुत आसान सा है, एडीएक्स 14 जो डिफॉल्ट पैरामीटर है उसी को हम ले रहे हैं, सिर्फ एडीएक्स को हम 15 मिनट में देख रहे हैं, हमारी कैंडल्स बन रही है 5 मिनट में लेकिन एडीएक्स को हम 15 मिनट में देख रहे हैं। 15 मिनट में हम क्यों देख रहे हैं एडीएक्स को, क्योंकि देखिए एडीएक्स को वॉल्यूम चाहिए, अगर वॉल्यूम कम रहेगा तो एडीएक्स का परफॉर्मेंस जो है वो इतना एक्यूरेसी उसकी कम हो जाएगी,
तो थोड़ा वॉल्यूम 15 मिनट में जो आपको मिलेगा वो 5 मिनट में उसका 1/3 मिलेगा आपको, राइट। तो इसलिए हम 15 मिनट में ADX को देख रहे हैं, ओके। हम इंट्राडे इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमें गैप ओपनिंग नहीं चाहिए। कॉल ऑप्शंस पे ही हम सिर्फ ट्रेड कर रहे हैं, अभी पुट पे क्यों नहीं कर रहे हैं तो उसके पीछे अलग है रीजन। पुट करने के लिए आपको देखिए, हमेशा मार्केट जब भी फॉल करता होगा तो आप देखोगे कि विक्स बढ़ी हुई है, ठीक है। तो जो ग्रीक जानते हैं वो सब ये समझ जाएंगे जो मैं कहना चाहता हूँ, यानी आपकी वॉलेटिलिटी जो है वो फॉलिंग मार्केट में काफी हाई रहेगी। नकुल जी, आपका टाइम फ्रेम कन्फ्यूजन शायद अभी क्लियर हो गया रहेगा। सिर्फ ADX हम 15 मिनट में देख रहे हैं, 15 मिनट के कैंडल में देख रहे हैं। हमारी कैंडल्स 5 मिनट की बन रही है और हम ट्रेड्स तो एज एन वेयर जहां पे जनरेट हो रहा है वहां पे ले रहे हैं। बॉलिंगर इसमें यूज नहीं कर सकते। यस, मैक्सिमम लॉस जो बता रहा है यानी वो 10,000 का जो लॉस बताया वो 3 ट्रेड्स का कंसेक्यूटिव स्टॉप लॉस हिट होते हैं तभी होता है, उसके बाद में ट्रेडिंग स्टॉप हो जाता है। वो एक पर्टिकुलर लॉट में से नहीं है, दैट इज नॉट अ सिंगल लॉट। वो एक ही दिन का मैक्सिमम, पूरे आज 2 साल में एक ही दिन में मैक्सिमम लॉस कितना गया वो बता रहा है, ओके। ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी आपको फिर कभी बताएंगे, आपको उसके लिए शायद और एक सेशन कर लेंगे, रख लेंगे आपके लिए। ₹318,000 में 1 लाख से ज्यादा ओके, व्हाई नॉट बाय पुट। जैसे मैंने बताया कि पुट की स्ट्रेटेजी के लिए अगर हम करना चाहते हैं तो पुट की स्ट्रेटेजी में उसका मैकेनिज्म अलग रहता है, उसकी अगर फेवर अनफेवर देखनी है तो उसके लिए एक अलग हमें तरीके से देखना पड़ता है। तो इसलिए हम पुट इस यहाँ पे नहीं कर रहे, कॉल कर रहे हैं। हमेशा आप देखोगे जब भी मार्केट बढ़ रहा होगा जहाँ पे कॉल एक्टिव रहेंगे वहां पे आप देखोगे विक्स इतना नहीं बढ़ रहा है जितना आप मार्केट फॉल्स जहाँ पे पुट एक्टिव हो गए हैं वहां पे आप देखोगे विक्स काफी बढ़ा हुआ रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ADX को 40 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। हमारी एक कंडीशन है कि 40 के ऊपर ADX नहीं जाना चाहिए। ADX 40 के ऊपर कभी जाएगा जब विक्स सबका हाई है, तो ग्रीक को टच किए बिना हम कुछ कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ADX बिलो 40 रहना चाहिए, टाइम इज हमारा जो है वो 940 के बाद का हुआ होना चाहिए। इन दिस कंडीशन हम एक एट द मनी कॉल ऑप्शन शॉर्ट कर लेंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस 20% ऑफ द प्रीमियम अर्न, ठीक है। इन केस स्टॉप लॉस इज हिट, री एंटर द ट्रेड एट द सेम स्ट्राइक प्राइस, यानी री एंटर तभी करेंगे जब वो स्ट्राइक प्राइस वापस ATM बनता है, यानी मार्केट वापस वहीं पे आया तो, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। क्योंकि मान लो ये इन द मनी या ITM हो गया तो हम एंटर नहीं करने वाले, हमें वापस वो मार्केट वही लेवल पे आ गया और वो वही स्ट्राइक प्राइस जहाँ पे हमने सवेरे स्टार्ट किया था 940 के बाद, तो वहाँ पे जो भी स्ट्राइक प्राइस था वही स्ट्राइक प्राइस अगर हमें वापस मिलता है तो ही हम वापस एंट्री लेंगे, ठीक है। ओके, री एंट्री कैन हैपन ओनली 3 टाइम्स, 3 बार अगर री एंट्री यानी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो एंड ऑफ द डे, उसके बाद में हम ये नहीं करते हैं, ट्रेड नहीं करते हैं, ओके। ओके, एग्जिट विल बी ओके। ADX हमारा जहां पे भी 20 के नीचे क्रॉस कर देता है और टाइम फ्रेम 3:10 होता है तो वहां पे हम एग्जिट लेंगे। अगर नहीं हुआ, ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो 3:25 को हार्ड स्टॉप है। हार्ड स्टॉप यानी चाहे हमारी बाकी सब कंडीशन मैच हुई या नहीं हुई, 3:25 को हमें एग्जिट लेनी है, प्रॉफिट हो लॉस हो जो भी है, 3:25 को हमें एग्जिट ले ही लेना है। वीकली ऑप्शंस में ही हम ट्रेड करेंगे, 5 मिनट की टाइम फ्रेम रहेगा, ओके। बाकी स्ट्रेटेजी कैसे हमने बनाई क्वांटमैन में ये यहाँ पे बताया हुआ है। क्वांटमैन में हम एकदम आसानी से बिना विदाउट कोडिंग स्ट्रेटेजी क्रिएट स्ट्रेटेजी पे क्लिक करके ये डाल सकते हैं, हमारा लॉजिक जो है वो आसानी से बना सकते हैं।
ओके, और स्टॉप लॉस वगैरह, री एंट्री के रूल्स, ठीक है, वो सब हम बना सकते हैं। ट्रेडिंग स्टॉप लॉस भी रखना हो तो रख सकते हैं, एडजस्टमेंट रख सकते हैं, वो सब कर सकते हैं। यानी वो सब कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजी के लिए है, यहाँ पे हम बहुत आसान कर रहे हैं ताकि हर कोई जो अटेंड कर रहा है वो सब समझ पाए इसको, ठीक है ना। तो और इंट्राडे स्ट्रेटेजी हम बना रहे हैं। तो आई होप ये जो कुछ लोगों को चाहिए था और एक बार लॉजिक समझना। ओके, बैंक एडीए, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। दीपक जी ने पूछा हुआ है कि एडीएक्स इज ऑन बैंक निफ्टी चार्ट और एटीएम कॉल ऑप्शन चार्ट। एडीएक्स जो है वो बैंक निफ्टी पे है, हम ट्रेड कर रहे हैं कॉल ऑप्शन पे, लेकिन हमारा चार्ट बनेगा बैंक निफ्टी पे, ठीक है। तो हम देखेंगे बैंक निफ्टी को और ट्रेड लेंगे ऑप्शंस में, ठीक है। तो ये एल्गो में ये करना बहुत आसान है, ठीक है। यू जस्ट हैव टू कनेक्ट दैट, ओके, चार्ट ये देखना है और उसकी एंट्री एग्जिट पे, ये पर्टिकुलर किसी और स्क्रिप्ट पे भी आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। इज प्रॉफिट शोइंग फॉर वन लॉट? यस, ये पूरा जो प्रॉफिट है वो सिर्फ एक लॉट का है, ओके। हम एक लॉट से ज्यादा इसमें हमने ये भी नहीं किया है कि कंपाउंडिंग भी नहीं है, ओके। ये जो है वो विदाउट कंपाउंडिंग है, ओके। ओके, बाकी सब इस पर इंडिकेटर्स भी लगा सकते हैं कुछ, वो उसके लिए अलग स्ट्रेटजी हो जाएगी। हमें यहाँ पे कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, इसलिए इसे फिक्स इंडिकेटर पे कर रहे हैं। नहीं, आपको बाय नहीं करना चाहिए एटीएम। ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन, ये जो स्ट्रेटजी है वो कॉल के ऑप्शन को शॉर्ट करने के लिए है, ठीक है। तो बाय की नहीं है, बाय तभी होता है जब हमें यहाँ से मार्केट अपवर्ड लग रहा है। यहाँ पे हम कॉल ऑप्शंस शॉर्ट कर रहे हैं, यानी हमें ये नहीं लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। हमें सिर्फ इतना है पता है कि कॉल का हमारा जो प्रीमियम है वो अच्छा मिल रहा है हमें, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हैं उसे, ओके, और एक स्टॉप लॉस रख के कर रहे हैं। लेकिन हमें ये नहीं है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला, तो फिर शॉर्ट नहीं करते थे कॉल, तो फिर शायद हम पुट शॉर्ट करके कॉल बाय करते थे। डेल्टा स्ट्रेटजी, हेजिंग स्ट्रेटजी इज पॉसिबल इन एल्गो ट्रेडिंग? यस, वेरी मच पॉसिबल। ओके गणेश जी, वो डेल्टा हेजिंग पॉसिबल है। ओके, विच एल्गो प्लेटफॉर्म यू प्रिफर? मैंने, लेकिन मेरा सबसे बेहतरीन मुझे हिसाब से एमी ब्रोकर है, क्योंकि काफी सारे उसमें आप कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजीज डिजाइन कर सकते हो। ओके, अभी कुछ सवाल मैं बाद में करता हूँ, कुछ आगे ये देख लेते हैं, फिर मैं सवालों के जवाब देता हूँ, ठीक है। ठीक है, लेट्स गो अहेड। सो हमारा जो बैंक निफ्टी की मूवमेंट है वो आप देखेंगे तो करीब करीब वापस वहीं पे आ गई है। दो साल में ऐसी नहीं है कि बहुत बड़ा डाउनफॉल था इसलिए कॉल ऑप्शन सेल करके हमने पैसा बना लिया। इनफैक्ट ज्यादा करके मार्केट अपवर्ड मूव ज्यादा रही थी, लेकिन फिर भी वी हैव बीन एबल टू जनरेट। और यहाँ पे देखिए, ये जो है ये ड्यूरेशन 2 ईयर्स का, जनवरी 21 से लेकर मार्च 2023 से के लिए, ठीक है। सो जनवरी 21 में जो मार्केट था साइडवे, बाद में अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, फिर वापस अप ट्रेंड, और अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है। लेकिन हर एक मार्केट कंडीशन में हमारा जो एल्गो है वो अगर हम देखते हैं तो लीनियर रिग्रेशन के हिसाब से कंटिन्यूसली रिटर्न दे रहा है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट होता जाता है कि यानी ये हमें हमेशा एल्गो ये बनाते वक्त ये सोचना चाहिए कि मार्केट की कंडीशन शायद जब बना रहे वो पर्टिकुलर एक ट्रेंड के लिए मत बनाइए, मल्टीपल ट्रेंड के लिए बनाने की कोशिश कीजिए ताकि वो हर एक मार्केट कंडीशन में परफॉर्म कर सके। 318,000 का हमारा प्रॉफिट है, ओके। ड्रॉडाउन 501 रुपये का है हमारा, राइट। और जो हमारा मैक्स लॉस है ये एक दिन का है,
10,503 ये एक दिन में, ये दो साल में, एक दिन में ये दिस वॉज द मैक्सिमम लॉस इन अ डे, इट इज नॉट ऑन अ पर ट्रेड, ओके। क्योंकि कुछ सिस्टम्स रहती है जो पर ट्रेड मैक्स लॉस में बताती है, लेकिन ये मैक्स लॉस जो है वो पर डे का है, ओके। और यहाँ पे मैक्स प्रॉफिट भी जो बता रहा है वो एक दिन का 9,700 का एक दिन का है। और हमारा जो एवरेज प्रॉफिट है वो ज्यादा है, विच इज इम्पोर्टेंट। यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है कि विनिंग प्रोबेबिलिटी कितनी है आपकी और एवरेज प्रॉफिट कंपेयर टू एवरेज लॉस क्या है। तो एवरेज प्रॉफिट कंपेयर टू एवरेज लॉस करते हैं तो करीबन 700 रुपया ज्यादा है पर ट्रेड, यानी ये एवरेज प्रॉफिट जो है वो पर ट्रेड का हो गया। एक तो आपके नंबर ऑफ विनिंग्स विनर्स ज्यादा है, ओके, और आपका एवरेज प्रॉफिट भी जो है वो भी ज्यादा है, एवरेज लॉस से 700 रुपया ऊपर है। तो इससे क्या हो जाता है कि काफी कंसिस्टेंटली हम ट्रेड कर पाते हैं, ओके। यानी उसका जो लिनियर रिग्रेशन जो हमें दिख रहा है इक्विटी चार्ट का, वो उसके कारण है कि 700 रुपये का पर ट्रेड हम ज्यादा रिकवर कर रहे हैं कंपेयर टू लॉस वी आर मेकिंग, ओके। एंड द नंबर ऑफ विनर्स हमारे लॉसेस से ज्यादा है। विन स्ट्रिक और लॉस स्ट्रिक है, लॉस स्ट्रिक 4 की है, विन स्ट्रिक इज 8, दैट इज ऑल्सो गुड पॉइंट। ये भी और एक ये बताता है कि विनर्स ज्यादा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं इससे, ठीक है। नहीं, ADX बिलो 40 अगर है एंट्री के वक्त तो ले सकते हैं, ये नहीं है कि यानी 40 के ऊपर हो ऊपर से नीचे आए ये नहीं चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। इट कैन बी 30 और समथिंग एंड यू कैन टेक एन ट्रेड। मैक्सिमम लॉट वी कैन बाय, दैट इज अप टू यू। आपको हमेशा किसी भी स्ट्रेटेजी अगर कर रहे हो बनाते हो तो उसे टेस्ट करनी चाहिए, कुछ समय तक लाइव मार्केट में पेपर ट्रेड करना चाहिए, और उसके बाद में ग्रेजुअली स्टार्ट विथ वन लॉट, अगर आपको कंफर्ट लग रहा है तो आप बढ़ाते जाइए, इस तरह से करना चाहिए। ये स्ट्रेटेजी का सबसे बड़ा फायदा यही है कि ये इंट्राडे है, यानी आपको ये नहीं है कि गैप डाउन गैप अप ओपनिंग में क्या हो जाएगा। स्पेशली कॉल्स सेल कर रहे हैं तो गैप अप अगर होता है तो हमारे लिए एक टेंशन की बात हो सकती है, और सिंगल लेग है, टू लेग नहीं, तो इसीलिए हम इंट्राडे में 3:25 को उसको क्लोज कर देते हैं। ADX का लॉजिक मैंने आपको बता दिया कि ADX हम जो रख रहे हैं 40 के ऊपर नहीं चाहिए, क्योंकि हमें ये प्रीमियम हाई चाहिए, लेकिन ये नहीं चाहिए कि मार्केट सीधा अप ट्रेंड में हो, बहुत बड़े अप ट्रेंड में मार्केट हो, ठीक है, वो नहीं चाहिए हमें। ओके, ओके, जैनम से क्वांटमैन कनेक्ट है अब शायद है या नहीं मुझे पता नहीं है, प्लीज आप आस्क कर लीजिए, नहीं हो तो शायद दे कैन कनेक्ट इट एज वेल। ओके, चलिए आगे चल के बाद में और क्वेश्चन लेता हूं मैं, ठीक है। सो व्हाट डज द फिगर्स से, हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट अप्रोक्सीमेट हम चलते हैं कि 1,60,000 मान लीजिए, हमने ड्रॉडाउन के लिए भी एक अमाउंट रख दिया साइड में, ऐसे तो हमारा मार्जिन काफी कम लगेगा, इस 1,60,000 का मार्जिन नहीं लगने वाला है, लेकिन हमने ड्रॉडाउन के लिए, विड्रॉडाउन हो सकता है तो उसी के लिए उस वक्त कोई भी पेन नहीं आना चाहिए, इसलिए हम ये रख लेते हैं। तो हमारा जो रिटर्न है वो 3,18,000 का है, ड्रॉडाउन है वो 20,500 का है, और ड्रॉडाउन इज नॉट मोर देन 7% ऑफ द प्रॉफिट, और हमारा जो ग्राफ है इक्विटी ग्राफ है वो भी काफी लीनियर है, ठीक है। सो यही है, आप प्लीज हैंड रेज मत कीजिए, क्वेश्चन आंसर सेशन में आप पूछ लीजिए, Q&A में आप क्वेश्चन पूछ लीजिए, क्योंकि काफी सारी हैंड रेज हुए हैं, तो यहाँ पे कर लीजिए तो मैं यहाँ पे एक जगह पे एक ही विंडो पे जवाब दे पाऊंगा। देखिए एक्यूरेसी जो आप पूछ रहे हैं बैक टेस्ट की, कि हम इसीलिए स्लिपेज डालते हैं, हमेशा स्लिपेज रखते हैं, क्योंकि मे बी एक्यूरेसी
में थोड़ा और रियलिटी में थोड़ा फर्क आएगा, तो इसलिए हम स्लिपेज डालते हैं। और ये स्लिपेज को हम पूरा, यानी मान लीजिए कि हमने 0.1 की स्लिपेज डाली, तो वो 0.1 हर एक ट्रेड में ले लेता है कि 0.1 का स्लिपेज लग ही गया। ऐसा नहीं है कि वो उतना बफर रख के चलता है कि भाई इसके बाद का ट्रेड क्या हुआ था, ऐसा नहीं है। वो बफर नहीं रखता है, वो उतना सीधा माइनस कर देता है कि जितने भी ट्रेड हुए उस सब में कितना स्लिपेज लग गया, यही समझ के चलता है। विच इज नॉट नेसेसरी ऑल द टाइम कि आपको स्लिपेज लगे हर एक ट्रेड में लगे, क्योंकि हम ATM में कर रहे हैं। अगर हमारा मान लीजिए कि फार ओटीएम रहता या ऐसा कुछ रहता तो शायद स्लिपेज का थोड़ा ज्यादा ये रहता था, लेकिन बैंक निफ्टी का ATM में हम ट्रेड कर रहे थे, ATM में काफी लिक्विडिटी रहती है, तो स्लिपेज की ऐसा नहीं है कि हर एक ट्रेड में स्लिपेज लगना है। लेकिन हम ये टू बी ऑन सेफ साइड हम ये कर रहे हैं, सतत में एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए ये रख रहे हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट मैंने जैसे बताया कि 160,000 का, या आपके ब्रोकर आपको क्या चार्ज कर रहे हैं उसके ऊपर है, मार्जिन क्या चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। ओके, हाउ टू स्टार्ट एल्गो ट्रेडिंग फ्रॉम जीरो, ओके बता देते हैं प्लीज। और कैन वी ओके फार अवे, मैंने जैसे आप बोल रहे हैं कि फार कॉन्ट्रैक्ट्स में कर सकते हैं केतन जी, फार कॉन्ट्रैक्ट में इसलिए मैं एडवाइज नहीं करूंगा क्योंकि देर इज सम मैकेनिज्म कि हम ATM कर रहे हैं, और इसीलिए हम जब भी स्टॉप लॉस हिट होता है फिर भी इमीडिएटली वही स्ट्राइक प्राइस को वहां पे नहीं करते, क्योंकि उसके जब स्टॉप लॉस हिट होता है तभी वो शायद ATM नहीं रहता है, ठीक है। तो वो इसलिए हम तभी वहां पर एंट्री री एंट्री नहीं कर रहे, री एंट्री कभी कर रहे जब वो स्ट्राइक प्राइस फिर से ATM बनती है। तो आई वॉन्ट एडवाइज कि भाई पार ऑफ कॉल ऑप्शंस में आप ट्रेड कर ले। हाँ ये है कि आपको मार्जिन शायद थोड़ा ज्यादा लग सकता है, लेकिन वो शायद अगर आप हेज करना चाहते हो तो काफी पार का एक ये कर सकते हो, हेज करने के लिए ऑप्शन बाय करके बाद में कर सकते हो, तो शायद मार्जिन आपका कम हो जाएगा। ओके एक्यूरेसी मैंने बता दी है। ओके आपने नकुल जी आप पूछ रहे हैं कि टारगेटेड पॉइंट हमने बताया नहीं है। यस वी आर नॉट पुटिंग एन इंट्राडे टारगेट यहाँ पे हम ये नहीं बोल रहे कि भाई इतना पॉइंट आ गया तो ट्रेड स्क्वायर अप कर लो, वो नहीं कर रहे हैं। बिकॉज जहाँ पे हमें लग रहा है कि मार्केट हमारी फेवर में, यहाँ मान लीजिए कि डाउन ट्रेंड पे चल रहा है मार्केट, तो हमारा जो कॉल ऑप्शन सेल है वो हमें अच्छा रिटर्न दे सकता है शाम तक, तो दैट इज द रीजन हम एट द मनी का कॉल ऑप्शन सेल करते हैं, यानी हमारा प्रीमियम काफी हाई हमारे हाथ में आया हुआ है, तो वो जितना हो सके उतना हमें बेनिफिट उसका उठाना है, ठीक है। इसलिए हमने कोई टारगेट नहीं रखा हुआ है, ठीक है। दूसरी बात ये भी है कि टारगेट क्यों नहीं रख सकते, रखना चाहिए, क्योंकि आपका जो प्रीमियम है एट द मनी का वो फ्राइडे को अलग रहेगा, ट्यूजडे को अलग रहेगा, वेनसडे को अलग होगा और थर्सडे को काफी कम हो गया रहेगा, राइट। फ्राइडे का जो ATM आपका प्रीमियम आपको मिल रहा है वो आपको कभी भी वेनसडे या थर्सडे को नहीं मिल सकता है। सो एक आपने फिक्स रख दिया, मूवमेंट जो है वो कैप्चर करना इतना आसान नहीं रहेगा, इसलिए हम ये नहीं डाल रहे हैं। लिंक क्वांट में डॉट इन स्ट्रेटेजी कैन सोमनाथ जी, यस वी कैन मेक एल्गो एज पर योर स्ट्रेटेजी, वी कैन कोड इट टू यू फॉर यू कैन डू दैट। हाउ टू स्टार्ट एल्गो ट्रेडिंग फ्रॉम, अभी बताते हैं। स्ट्रेटेजी कैसे बनाते हैं वो अगर आता नहीं है तो क्या करें, भरत जी आपको कोर्स कर लेना चाहिए। देखिए आप किसी और के वहाँ पे काम करने के लिए कॉलेज में जाते हैं, सीखते हैं 5 साल, ठीक है, उसके बाद कहीं पे जॉब करते हैं, तो किसी और के लिए कमाने के लिए कर रहे हैं, 5 साल आपने मेहनत करके सीखा कुछ फिर वहाँ पे जाके जॉब देख रहे हैं, तो ये आप अपने खुद के लिए ट्रेडिंग कर रहे हैं, सीखना अपने खुद के लिए कमाना है, तो डेफिनेटली यू शुड स्पेंड सम टाइम ऑन दैट,
सीखना चाहिए और उसके बाद ये करना चाहिए। क्वांटमेंट कुछ लोगों ने, मैं अभी यहाँ पे आगे आपको बता देता हूँ क्वांटमेंट का, ठीक है। सो दैट यस 3:25 को हम कट ऑफ कर देंगे, चाहे जितना भी हमारी फेवर में है अनफेवर में है, विल बी कटिंग अप द ट्रेड, यानी क्लोज कर देंगे, ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो सकते हैं अल्गो ट्रेडिंग में, हमें सामने बैठ के करने की जरूरत नहीं है, कैन बी ट्रेडेड ऑटोमेटिकली। हाउ कैन आई हैव माय ओन स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन, you can learn about it, I'll just explain it to you, direction, years, how can we learn A to Z about algo trading, Ankur ji, 2 minutes mein aapko main aapka jawab deta hu, sir, please. Nakul ji, gamma risk Thursday ko rehta hai, aapki baat sahi hai, but aap agar dekhenge to ye particular strategy will cover that. Please tell about the courses, what can we learn from it. Okay. ठीक है, मैं कुछ सवाल के जवाब बाद में देता हूँ, इसके बारे में आगे बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो हमारा इक्विटी ग्राफ काफी लीनियर है, ओके। statinsti.com ये हमारी है, जहाँ पे हम कई सारी स्ट्रेटेजी सिखाते हैं। हम एक कोर्स कंडक्ट करते हैं जिसे कहते हैं प्रोफेशनल ऑल्गो ट्रेडिंग कोर्स कंडक्ट करते हैं हम, जहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस, एडवांस टेक्निकल एनालिसिस, कोडिंग आपको स्क्रैच से, यानी प्रीवियस कोई कोडिंग की जरूरत नहीं है, एकदम आसान तरीके से कोडिंग, यानी हमारे स्टूडेंट्स 55 साल के स्टूडेंट्स भी है जिन्होंने ये कंप्लीट किया हुआ है और अपनी स्ट्रेटजी खुद बना रहे हैं, ठीक है। बिल्डिंग एंड टेस्टिंग ऑफ एल्गो स्ट्रेटजी कैसे बनानी है वो सिखाते हैं, एल्गो स्ट्रेटजी को कैसे टेस्ट किया जाता है और कैसे उसे ऑटोमेट किया जाता है, ये पूरा स्क्रैच से पूरा कवर होता है। वी प्रोवाइड मल्टीपल एल्गो प्लेटफॉर्म्स टू लर्न फ्रॉम, यानी कई सारे प्लेटफॉर्म्स हम सिखाते हैं कि ये प्लेटफॉर्म पे को कैसे यूज कर सकते हैं, अलग प्लेटफॉर्म पे कैसे हम स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे कि ये एक है क्वांटमेंट इन। अभी कुछ लोग पूछ रहे थे क्वांटमेंट इन की वेबसाइट का, तो यहाँ पर मैंने बताया हुआ है, दिस इज quantman.in, ये यहाँ पे जा सकते हैं। और उनके साथ हमारा ये है कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए हमने, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स हमारे ये प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, तो वी हैव उनके पास से डिस्काउंट लिया हुआ है, तो यू कैन ऑल्सो यूज दैट stat10 करके आप, ये कूपन कोड है, अगर ये इस्तेमाल करते हैं तो 10% डिस्काउंट मिल जाता है आपको उनकी सब्सक्रिप्शन पे, उनके यूजर्स पे, ठीक है। तो quantman.in पे जाके, अभी जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई वो quantman.in पे ही मैंने बनाई थी, quantman.in पे ही बनाई हुई है। तो इसमें जैसे पहले बताया मैंने, एकदम आसान तरीके से, जस्ट पिक एंड ड्रॉप के जैसा है, बहुत आसान तरीके से आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स को क्या मिलता है, तो आपको मल्टीपल प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मिलती है जो बैक टेस्टेड की हुई रहती है, ओके। हमारे कोर्स में मल्टीपल बैक टेस्टेड एल्गो स्ट्रेटजी सिखाते हैं, लाइव मार्केट में प्रोजेक्ट्स देते हैं, जो स्ट्रेटजी सिखाते हैं वो हम कहते हैं कि लाइव मार्केट में टेस्ट कीजिए, आखिर में आप खुद अपनी स्ट्रेटजी बनाते हो जो हम टेस्ट करते हैं, हमारी टीम टेस्ट करती है लाइव मार्केट में कि क्या ये प्रॉफिटेबल है, और वो जब भी प्रॉफिटेबल रहती है तभी आपको सर्टिफिकेट मिलता है, प्लेसमेंट सपोर्ट भी हम प्रोवाइड करते हैं, काफ़ी सारे ब्रोकर्स, सॉफ्टवेयर कंपनीज, इंस्टीट्यूट्स हमें कॉन्टैक्ट करती है प्लेसमेंट के लिए। नेक्स्ट बैच हमारा जो है वो नेक्स्ट संडे से स्टार्ट हो रहा है, हमारे जो लेक्चर्स रहते हैं वो ऑनलाइन लाइव रहते हैं, इंटरेक्टिव क्लासेस रहते हैं, यानी लाइव लेक्चर्स में सवाल जवाब वगैरह इंटरेक्टिव रहता है और कोई वीडियो रिकॉर्डेड नहीं रहता है, ठीक है। और मल्टीपल लाइव मार्केट एल्गो ट्रेडिंग प्रोजेक्ट्स रहते हैं, यानी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स रहते हैं, आप पूरे कोर्स में देखिएगा जो भी आपको वीकेंड को सिखाया है तो वो हम वही स्ट्रेटजी बताएंगे कि चलिए अभी मंडे टू फ्राइडे आपको लाइव मार्केट में उसे यूज करना है, और आप जो ट्रेड ले रहे हो लाइव मार्केट में वो पेपर ट्रेड ले रहे हो, लेकिन हमारी टीम उसे मॉनिटर करती है, तो उसमें कहीं पे भी आपकी कुछ गलती है तो वहाँ पे ही करेक्शन आपको बताया सिखाया जाता है, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स इज 6 months, ठीक है। तो आई थिंक करीब करीब जितने भी अभी सवाल आए थे उसमें जो कुछ लोगों ने पूछा कि कहाँ पे सीख सकते हैं, तो आप
ये स्टैटिन स्टी हमारी जो है इंस्टीट्यूट, वहां पे आप बेसिक से लेके एडवांस तक का एल्गो ट्रेडिंग का पूरा कोर्स सीख सकते हैं। मूविंग एवरेज RSI की स्ट्रेटेजी अलग से बना सकते हैं कोई, उसमें यानी कोई भी इंडिकेटर को यूज करके या प्राइस एक्शन को यूज करके स्ट्रेटेजी बन सकती है। ये जो स्ट्रेटेजी हमने बनाई है वो सिंगल इंडिकेटर का इसलिए बनाया है कि जैसे मैंने बताया पहले भी आपको कि हमें आसान तरीके से एक स्ट्रेटेजी बनानी है जो सभी लोग जितने भी अटेंडेंस अटेंड कर रहे हैं आज वो सब समझ सके उसको। यस, फ्रॉम डेफिनेशन टू कोडिंग एवरीथिंग इज कवर्ड इन अवर कोर्स। यानी आप जैसे कंसेप्शुअलाइज कहते हैं हम कि आप सोच रहे हो, जैसे हमने पहले यहाँ पे कंसेप्शुअलाइज किया कि हमें क्या क्या चाहिए, तो इंट्राडे चाहिए, बेस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी चाहिए, हमें चाहिए था कि सिंगल इंडिकेटर, बहुत सारे इंडिकेटर्स नहीं चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं चाहिए, हमें चाहिए था कि एक ही लेग की हो, मल्टीपल लेग वाली स्ट्रेटेजी ना हो। तो ये सब कंसेप्शुअलाइजेशन हो गया और फिर वहां से लेके कोडिंग करके उसे टेस्ट करके उसे बाद में फाइन ट्यून करके इम्प्लीमेंट करने से लेके पूरा उसको ऑटोमेशन करने का, एवरीथिंग इज कवर्ड इन द कोर्स, राइट। ओके, फीस वगैरह के लिए आप लोग कॉल कर सकते हैं, 79 यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, तो प्लीज कॉल कर सकते हैं। आई थिंक किसी का सवाल, किसी का क्वेश्चन अगर मेरा मिस हो गया हो तो आप मुझे जरा फिर से टाइप कर दीजिए, क्योंकि करीबन 100 के करीब सवाल पूछे गए हैं, तो कई सारे सवाल मेरे मिस हो गए मुझे लग रहे हैं। किसी के फर्दर क्वेश्चंस है तो प्लीज Q&A बॉक्स में लिख दे। रिलेटेड टू वेबिनार अगर किसी को कोई क्वेश्चन है जो सेशन सर ने लिया। तो आई एज्यूम करीब करीब सभी सवाल के जवाब हो गए हैं। Yes, so I would like to thank Mr. Krishna for taking just one or two questions you have performed. Okay. What will be the time of the course after marketer? देखिए ये course जो है वो weekend का ही रहता है, यानी Sunday को रहता है और कभी कभी Saturday को lectures रहते हैं, Saturday evening को रहते हैं और Sunday को morning से लेके हमारे दोपहर तक batches चलते हैं, ठीक है ना। तो वो time रहता है, यानी सबको इजीली अटेंड कर सके वो हो जाता है। ओडिन के साथ चलेगा, ओके यस, यानी आपके जो भी सॉफ्टवेयर है वो आप ओडिन का किसी भी सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करने के लिए API लगेगी, ठीक है। तो आपको ब्रोकर को पूछना पड़ेगा कि API प्रोवाइड कर रहे, मेरे ख्याल से करीब करीब सभी कर रहे, जैनम तो कर ही रहे API, राइट साक्षी जी। तो तो API अगर आपको मिल गया तो आप किसी से भी कनेक्ट कर सकते हो। हाँ, पी की स्ट्रेटेजी सिखाते हैं, डेल्टा की स्ट्रेटेजी, कई सारी स्ट्रेटेजीज एल्गो पे कैसे करते हैं वो सब सिखाया जाता है हमारे कोर्स में। नेक्स्ट में करते कर सकते हैं। टाइम ऑफ एंट्री ये स्ट्रेटेजी में मैंने जैसे बताया 9:40 के बाद ही कर सकते हैं, 9:40 के पहले नहीं कर सकते हैं। स्टेट इंस्टीट्यूट मुंबई और पुणे दोनों की जगह पे है और जो हमारे क्लासेस है वो ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स रहते हैं, यानी आपको कहीं ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है, आपके कहीं से भी अटेंड कर सकते हो। सैटरडे इवनिंग को रहते हैं और वो भी आपको बताया जाता है एक हफ्ते पहले कि अगर एवरी सैटरडे नहीं रहता है, संडे एवरी संडे रहता है, लेकिन सैटरडे कभी कभी रहता है, जब भी कोई बड़ा लेक्चर होता है, बड़ी कोई स्ट्रेटजी कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजी रहती है तभी करते हैं। तो यस आई थिंक दैट इज इट, या सखी जी प्लीज गो अहेड। वी आर डन, ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर टेकिंग सच एन इंफॉर्मेटिव सेशन एंड आई आल्सो वुड लाइक टू थैंक ऑल द पार्टिसिपेंट्स।
So I hope sabki queries kafi had tak solve ho gayi and they learned from the webinar. And yeah, we are looking forward to more such sessions in future. Sure, and thank you for having me. And all the participants were fantastic. Questions were answer session was fantastic. Enjoyed doing this. इसके बाद भी अगर किसी को कोई सवाल है तो यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर और कॉन्टेक्ट अस और विजिट अवर यूट्यूब एंड इंस्टा पेज एज वेल.